हमारे रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं आज आपको लेके खड़ा हूँ अलहिरा सिटी के अंदर, जो कि मेन सफूरा मेन सफूरा इसकी 33 में है। बिल्कुल रिमझिम टावर के साथ ही सोसाइटी है और यहाँ पे 120 गज़ का डबल स्टोरी विला हमारे पास आया है। पहले मैं आपको इसकी एक्स्ट्रा लैंड दिखा दूँ। ये एक्स्ट्रा लैंड है इसकी, जिसमें आप अपना पार्क बना सकते हैं। ये 120 नहीं है, इसकी 120 ज़्यादा है। कॉर्नर का विला है और ये मैं अभी आपको सामने से दिखाता हूँ। ये मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, कॉर्नर का मैंने आपको बताया है, इसमें एक्स्ट्रा लैंड मौजूद है। ये और ये मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अब आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। ये इसका कार पोर्च है और मैंने अभी आपको बता रहा था डबल स्टोरी, ये वन यूनिट ही है, ये वन यूनिट ही है विला। और ये बाहर बेसन दिया हुआ है एक। और सबसे पहले मैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखा दूँ। ये इसका ड्राइंग रूम है और इसमें वार्डरोब्स भी दी हुई हैं कमरे के अंदर, और बिल्कुल अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ है ये। ये मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखा दिया है पूरा। और अब मैं आपको इसका टीवी लाउंज दिखा रहा हूँ। ये टीवी लाउंज है और पहले मैं आपको वाइड में दिखा दूँ थोड़ा। और ये मैं आपको किचन में लेके जा रहा हूँ, किचन में लेके जा रहा हूँ। ये देख लें आप लोग, ये किचन है इसका। और मैं आपको इसका टीवी लॉन्च ज़रा बाहर से दिखा दूँ। ये टीवी लॉन्च है, बीच से ही सेंटर से स्टेयर्स जो ऊपर जा रही हैं, और ऊपर भी दो बेडरूम बने हुए हैं। दो बेडरूम नीचे हैं, दो बेडरूम ऊपर हैं। और ये वाला, ये फर्स्ट बेडरूम है इसका, ये फर्स्ट बेडरूम है। और आप ये देख लें, साफ सुथरा है, वॉलपेपर लगा हुआ है। ये वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, ये वॉशिंग एरिया है। और ये इसका वॉशरूम, ये वॉशरूम है इसका। और ये देख लें, मैं वॉलपेपर कह रहा हूँ कि वॉलपेपर लगा हुआ है दीवारों पे, ये देखें। और अब मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखा रहा हूँ, देख लें वॉलपेपर इन्होंने इधर भी लगाया हुआ है। ये सेकंड बेडरूम है और यहाँ पे भी दीवारों पे वॉलपेपर ही लगा हुआ है, और इसके साथ विंडो भी दी हुई है। और कॉर्नर का घर है ये, ये इसका सेकंड वॉशरूम है। अच्छा, ये मैं ऊपर जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे इसके, और आप देख रहे हैं सीढ़ियों तक पे वॉलपेपर लगाया हुआ है इन्होंने। ये मैं ऊपर आ गया हूँ। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे भी टीवी लाउंज मौजूद है, ये देख लें आप, ये टीवी लाउंज है इसका फर्स्ट फ्लोर पे भी। और ये इसका फर्स्ट बेडरूम, दो बेडरूम ऊपर हैं, ऊपर टीवी लाउंज भी है। और मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखा दूँ, ये इसका वॉशरूम है। और ये देखें रखा हुआ इन्होंने, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जगह अच्छी है, जगह महंगी है क्योंकि मेन सफूरा के ऊपर है ये। और ये इसका सेकंड बेडरूम, और ये मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। कॉर्नर का विला है और उसके साथ एक्स्ट्रा लैंड भी मौजूद है। और ये इसका वॉशरूम सेकंड बेडरूम का, और वॉलपेपर का इस्तेमाल उन्होंने बहुत किया हुआ घर में। अब ये मैं आपको टेरेस दिखा रहा हूँ उसका, ये टेरेस है। और ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर छत के लिए, छत के लिए सीढ़ियाँ दी हुई हैं यहाँ पे। और लाइन से आप देख सकते हैं कि सारे बंगले बने हुए हैं, इसमें आप ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये देख लें आप, पूरा आबाद एरिया है, और आमने सामने घर बन भी रहे हैं इसके। ये देख लें, ये देखें, ये लोगों ने ऑल्ट्रेशन की है बेसिकली। ये सोसाइटी तो बिल्डर डेवलप की हुई सोसाइटी है, लेकिन ये ऑल्ट्रेशन के बाद लोगों ने चेंज किए हैं। और ये मैं आपको फिर मज़ीद और बाहर से दिखाता हूँ। तो भाइयों, ये घर मैंने आपको अंदर से दिखा दिया है, और अभी मैं यह सामने से बाहर से दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। और मैंने आपकी एक्सटर्नल इसकी शुरू में भी दिखाई है, और गैस बिजली पानी सब यहाँ मौजूद है। ये देख लें, ये एक्स्ट्रा लैंड है, कुछ लोगों ने पार्क बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने गाड़ियों की पार्किंग बनाई हुई है। और कॉर्नर का विला है ये देख लें। और दो बेडरूम नीचे, दो बेडरूम ऊपर, ड्राइंग रूम,
और दो टीवी लाउंज है, ऊपर भी टीवी लाउंज है, नीचे भी है। ये आसपास सारे घर दिखा रहा हूँ, गली देख रहे हैं काफ़ी चौड़ी है। अच्छा, इसके 2 करोड़ 10 लाख रुपए इसकी डिमांड है। बाकी जब आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो जो भी निगोशिएशन हो सकेगी वो सामने ही बैठ के हो सकेगी, क्योंकि ओनर की डिस्क्रिप्शन है कि वो इसमें पैसे कितने कम करता है हमें, लेकिन उन्होंने हमें दो दस की डिमांड बोली है। 30 फीट के लिए ही है, इसमें ये घर है और कॉर्नर का घर है। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफिज़। मैं वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ। आप लोगों में जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, मेन सफूरा के ऊपर रिमझिम टावर के बिल्कुल बराबर में अलहिरा सोसाइटी है, वहाँ पे ये मौजूद है और ये एंट्रेंस है इसके सामने से। तो आप लोगों में जो भी इंटरेस्टेड हो वो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो हम आपको इसकी बाइंग में फैसिलिटेट करेंगे और लीज़ भी है, सारी चीज़ें ओके हैं इसकी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।